एकीकडे स्वच्छता सुंदर भारत अभियानाला आता पुन्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरुवात केली आहे, तर दुसरीकडे हे दृश्य पहा, स्वच्छ अमरावती सुंदर अमरावती शहराचे सुंदर स्वच्छ दृश्य। हे दृश्य पाहून आपणही म्हणाल का स्वच्छ अमरावती सुंदर अमरावती। हे दृश्य आहे इतवारा बाजारातील अंडा गल्लीतील। गेल्या 6 महिन्यापासून येथील सांडपाणी नालीतील कचरा न काढल्याने दुर्गंधीयुक्त घाणपाण्याचे डबके आता चक्क रस्त्यावर साचल्याने येथील दुकानदार आणि नागरिक त्रस्त झाले आहेत। अमरावती मनपा क्षेत्रात मनपा प्रशासन रास गेल्या अनेक महिन्यापासून असतानाही स्वच्छता अभियानावर पाहिजे तसे लक्ष दिले जात नसल्याच्या अनेक नागरिकांच्या अनेक प्रतिक्रिया प्राप्त झाल्या आहेत। इतवारा बाजार हा अमरावती जिल्ह्यातील मुख्य आणि सर्वात मोठी बाजारपेठ असूनही या परिसरात अनेक महिन्यापासून सांडपाणी नालीतील कचरा बाहेर काढण्यात आला नाही। वारंवार येथील स्वास्थ्य निरीक्षक सह मनपायुक्तांकडे तक्रार करून सुद्धा येथील परिस्थिती जैसे थे सारखीच आहे। आणि आता तर याच इतवारा बाजारातील अंडा गल्लीतील सांडपाणी नालीतील दुर्गंधीयुक्त घाणपाणी अचानक रस्त्यावर साचल्याने येथील नागरिक त्रस्त झाले आहेत। एकीकडे केंद्र सरकार राज्य सरकारसह मनपा प्रशासन स्वच्छ भारत सुंदर भारताची संकल्पना करून स्वच्छतेवर विशेष भर देताना दिसून येत आहे। मग या विदारक दृश्यावरून आपण खरंच म्हणणार का स्वच्छ अमरावती सुंदर अमरावती? ही समस्या निर्माण झाल्याने रस्त्यावर दुर्गंधीयुक्त घाण साचल्याने अनेक ग्राहक आपली वाहने या सांडपाण्यातून काढित आहेत, तर या त्रासामुळे रस्त्याच्या बाजूने असलेल्या दुकानदारांनी आपली दुकाने बंद ठेवली। गेल्या 6 महिन्यापासून इतवारा बाजारातील नाल्या स्वच्छ केल्या नाही। तक्रार देऊनही स्वास्थ्य निरीक्षक कंत्राटदार आणि मनपा अधिकारी कोणतीच दखल घेत नसल्याच्या प्रतिक्रिया अनेकांनी आमच्या सिटी न्यूजकडे केल्या आहेत। अंडा गली है इतवारा बाजार की। इतवारा बाजार मेन रोड है अमरावती शहर का, यहाँ पर सब्जी वाले फ्रूट वाले सब गरीब पैसे वाले लोग यहाँ पर सब्जी खरीदने को आते, चिकन खरीदने को आते, मटन खरीदने को आते। ये गली का ये कंडीशन है कि आज है ना 15 दिन से पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा रोड पर। ये पूरा रोड बंद करके रख दिए इन्होंने। हम 8 दिन पहले कॉरपोरेशन के अंदर गए, मैडम से मिले, मैडम ने हमारे को आश्वासन दिया, फिर भी ये रोड का काम नहीं हुआ। ये पानी निकालने का कोई साधन नहीं करे इन्होंने। अगर इनको ब्रिज का नाली का काम कराना ही था तो पहले है ना ये नालिया में जो आते पानी आ रहा है इसको रोकने का काम करना था। बाद में है ना ये हमारे आज ये कंडीशन हो गई है गली के, ये इतवारा बाजार के लोगों की, कि भूखे मरने की नौबत आ गई। कोई आई नहीं, आने तैयार नहीं है। एक घंटा भी ये भाई मारे है ना यहाँ दुकानदार बैठ सकता ना दुकान, ये रोड से चलने वाले वो कर सकते। इतनी भयंकर भाषा, दिन भर लेडीज है ये पानी के अंदर गिर रही, गाड़ियाँ गिर रही, हम देख रहे बैठे बैठे हमारे धंधे हो गए खत्म। हमारे यहाँ पर कॉरपोरेशन को चुनने को तैयार नहीं है। अभी आयुक्त साहब आकर गए 8 बजे, देखे उन्होंने तो बोले हम तुम्हारे लिए सुविधा कर रहे हैं नाले बनाकर। तो अरे भाई हमारी सुविधा कर रहे हैं, पहले हमारी रोजी रोटी का भी तो था। आज 1 महीना हो गया हम खाली भर गए पानी की वजह से, हमारी रोजी रोटी खत्म हो गई। और आयुक्त साहब बोलते कि तुम्हारे लिए सुविधा ठेकेदार। हम आज देख रहे कि नालियों का काम ही नहीं चालू है, नालिया इन्होंने ना बोरिया में मट्टी भर भर कर ना बंद करके रख दी है। नगर पालिका का ठेकेदार भी आता तो बोलता ये हमारे हाथ में लिया ब्रिज का काम, जो ठेकेदार ने लिया उसके आते हैं उसको जाकर एजेंसी के अंदर एजेंसी का साहब आया देख कर हाँ हम तुम्हारा ये काम करा देते। अरे भाई ये 5 साल से ब्रिज बना नहीं, और 2 साल नहीं बनेंगे तो हम क्या भूखे मरेंगे? और ये 2 साल और नहीं बनेंगे, नाले 2 साल और नहीं बनेंगे तो हमारे हमारी रोजी रोटी का क्या है? हम तो भूखे मरने की नौबत आ गई हमारी। ये नाली 6 महीने से भरी हुई है, खाली नहीं हो रही है। जब दो जाने आने वालों को परेशानी है, लाइन में कोई आ ही नहीं रहा है, इधर उधर से जा रहे हैं। इतवारा बाजार अंडा गली